नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई जानकारी के लिए आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों से मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक नई वीडियो डाली थी अपनी अपने ऑफिस के बारे में, जानकारी के बारे में कि मेरा ऐसा ऑफिस है वो है। तो बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आए हैं कि भाई तू ऑफिस में कैसे बैठने लगा है, ये तूने गलत किया है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, फलाना ढिकाना, बहुत सारे कमेंट आई है। तो एक भाई ने तो ये भी कहा है कि भाई तू क्यों और CPLO वालों की वाट लगाने वाला है, और ना कोई सरपंच के पास लेटर आया है। तो देखो, आपके लिए एक खुशखबरी भी है। तो जब जितने भी CPLO भाई हैं उन्होंने शायद चेक भी कर लिया होगा, नहीं तो चेक कर लेना, जहाँ से हमने अपना रिजल्ट चेक करा था किया था ना, वहाँ पे आज हमारी ज्वाइनिंग डेट भी आ गई है। मेरी जो ज्वाइनिंग डेट आई है वो 12 मार्च की आ चुकी है उसमें। तो आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई देखो, मैंने अपना काम स्टार्ट करके ना तो कोई गलती की है, ना ही मैं किसी का नुकसान करने वाला हूँ, बट ये है कि मैंने अपना विश्वास कर चुका हूँ कि हाँ मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है। विश्वास क्या, वो हो चुकी है। अब तो आपको आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि ये है, मैंने किसी से ना तो कोई गलत किया है, नहीं कोई चीज़ किया है। तो मेरा सभी CPLO भाइयों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको आपके गांव में बैठने की जगह मिल गई है तो आप अपना ना काम स्टार्ट कर लीजिए। और एक भाई ने ना कमेंट में ये भी पूछा था कि भाई कंप्यूटर लैपटॉप तू अपने लैपटॉप है अपना क्यों क्यों यूज़ कर रहा है, ये देंगे, ये चीज़ तू गलत कर रहा है। तो भाई मैंने गलत नहीं किया। देखो, जो भी आपको अब तक हमने जैसे डेट ऑफ बर्थ टैगिंग का है और फैमिली आईडी का काम किया, इन्होंने हमको कोई भी ऐसा काम नहीं दिया है कि जिससे हमको लैपटॉप की या कंप्यूटर की नीड हो। वो सारे के सारे काम हमारे ना फोन से ही हो रहे हैं, वो मैं कर रहा हूँ। लैपटॉप है ये तो मैं अपनी सुविधा के लिए कर रहा हूँ, मेरे पास है तो मैंने यूज़ कर लिया, नहीं होता तो मैं भी कहाँ से कर लेता, नहीं मानते हो। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर की यदि मुझे ज़रूरत नहीं है तो कोई जो दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया, नहीं होता तो मैं क्या करता। तो अब आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप चेक कर लेना, आपकी ज्वाइनिंग डेट आ चुकी है। और मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी अपनी काम स्टार्ट कर लो CPLO का। बात रही ज्वाइनिंग की, जे देखो आज ज्वाइनिंग का वो भी फाइनल हो चुका है। रात मैंने खुद ने चेक किया था, रात तक कुछ नहीं था, बट आज मैंने दोपहर को चेक किया है तो उसमें आज हमारी ज्वाइनिंग डेट भी आ गई। यार एक बार बताओ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमको? जब ज्वाइनिंग डेट वो वेबसाइट पे अपलोड हमारे लिए कर रहे हैं कि भाई तुम ज्वाइनिंग हो चुके हो, और क्या चाहिए? अब ये तो है ही नहीं कि सरकार है, मुख्यमंत्री है, कोई हमके खुद आएगा बैठा के जाएगा और ले भाई तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी, अब तुम काम स्टार्ट करो। देखो, सरकार का प्रोसेस है, आचार संहिता लगी हुई है, आप भी जानते हो सरकार के काम है धीरे धीरे होते हैं, सारे काम धीरे धीरे हो जाएंगे। तो बेफिक्र होके यदि आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, बाकी तो मैं वीडियो बना के आपके पास डालता रहूँगा, जिस जिसका भी वो सारी चीज़ें हैं वो डालते रहेंगे। बाकी आप अपना काम स्टार्ट करिए, जॉब की तरफ से नो टेंशन, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपकी जो जॉब परमानेंट लग चुकी है, बस ये है कि देर अमेर है। अच्छा, एक मेरा एक भाई से और बात हुई थी, उसका ना डी ग्रुप में वो हुआ सिलेक्शन, खूब HSSC ने उसका सिलेक्शन किया है, रिजल्ट आया है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं। वो भी वही ये सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ना तो जॉब, ना तो कोई ज्वाइनिंग लेटर मिला अभी हमको, ना हमारी सैलरी आ रही है। तो देखो, वही हिसाब थोड़ा सरकार ने जॉबों में झोल कर दिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिन जिनको भी जॉब मिली है, बहुत सारे लोग देखो डी ग्रुप में, सी ग्रुप के रिजल्ट आए हैं, तो किसी भी जॉब के प्रति कोई भी श्योर नहीं है अभी अपनी, चाहे वो कैसे ही लगा है। तो हमारी तो पोस्ट ही डिपार्टमेंट की तरफ से आई है, तो देखो सरकार का अलग चल रहा है और हमारा अलग चल रहा है। हमारा तो डिपार्टमेंट की भर्ती है, फैमिली आईडी डिपार्टमेंट ने और पंचायत डिपार्टमेंट ने दोनों ने मिलकर ये लोकल ऑपरेटर लगाए हैं। तो मेरा कहना यही था, और सबसे लास्ट में ये कहूंगा, जो भाई कमेंट में ये कह रहे थे ना कि भाई तूने बेड़ा गरक कर दिया है, CPLO की वाट लगा रहा है, तो भाई मैंने किसी को कोई वाट नहीं लगाई है। मेरा का ये था कि मुझे काम करना है, मैं काम कर रहा हूँ। देखो, मुझे अपना कर्म करना, आगे सरकार देखेगी, डिपार्टमेंट देखेगा, अपने आप देखेगा। यार जब काम दे रहे हैं, जब हमारा रिजल्ट आया है, ज्वाइनिंग
एडीसी ऑफिस में हमने डॉक्यूमेंट जमाया, उन्होंने वहां से हमारा रिकॉर्ड है मार्क करके सेक्रेटरी के पास भेजा, सेक्रेटरी से बीडीओपीओ, बीडीपीओ के पास भेजा, बीडीओपीओ सेक्रेटरी ने जब हमारे सरपंच से बोला है कि भाई इसको ये मैं तुम्हारे को पंचायत को कंप्यूटर ऑपरेटर दिए, इनको बैठने के लिए जगह दो। यार पंचायत में ऐसी थोड़ी बैठा देगा कोई कोई सरपंच मुझे। बाकी जिनके सरपंचों को अभी नोटिस नहीं मिला या सेक्रेटरी ने नहीं बोला वो बोल दिया जाएगा। हमारे जो ब्लॉक है हमारा बहुत सारे लोगों को बैठने की जगह मिल चुकी है। मेरे पड़ोस में एक गांव है, एक लेडीज लगी है, उसने भी कहा कि भैया जगह तो हमको भी मिल गई, हमारे सरपंच ने हमको बहुत अच्छा सचिवालय बना हुआ है और दे दिया कि जी बैठो और आप काम करो। ठीक है काम धीरे धीरे आएगा, आ जाएगा भाई, अपना काम स्टार्ट करो, बैठो, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ भैया कोई बंदा यहाँ बैठने लगा है। मेरे को 1 सप्ताह हो गया बैठे, लोगों को पता चलना स्टार्ट हो गया कि हाँ भाई ये हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर गांव में बैठने लगा है और लोग आने स्टार्ट हो चुके हैं। अपना काम स्टार्ट करो, मेरा तो कहना ये है, जो सरकार है वो करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, और जो नई जानकारी के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपके मन में संशय है तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।